हाय डियर फ्रेंड, आरआरबी जेई 2019 जनरल साइंस जो 30 मार्क्स के क्वेश्चन है उसका हम बायोलॉजी का पार्ट देख रहे हैं। फिजिक्स का पार्ट ऑलरेडी हमने अपलोड कर दिए हैं, ये बायोलॉजी का पार्ट है। तो बायोलॉजी का पार्ट को हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन, हाउ मेनी एचआईवी पॉजिटिव इन्फेक्शन आर डेट आर अकरिंग एवरी डे इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में कितने अफेक्ट हो रहे हैं, इन्फेक्टेड हो रहे हैं एचआईवी पॉजिटिव से। तो जिसका ऑप्शन दिया है 10 लाख, ठीक है 10 लाख। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर वन का वो है ए 6000। एवरी डे इतने ज़्यादा इन्फेक्शन होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पॉइंट पे ध्यान रखना 6000, ठीक है। नेक्स्ट है बॉम्बिक्स मोरी डैट प्रोड्यूस फाइन फिलामेंट ऑफ सिल्क इनसाइड द कोकून्स इज ए। तो ऑप्शन दिया है बटरफ्लाई, डिप्टेरन, सिल्कवॉर्म, मोथ एंड मलबेरी प्लांट हेमिटेरन। तो क्वेश्चन नंबर टू का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी मोथ, ओके याद रखना। फिर वाई वाज डीडीटी बैंड विच एन ऑर्गन क्लोरीन कंपाउंड यूज फर्स्ट टू कंट्रोल मलेरिया कैरिड इन मॉस्किटोज एंड लेटर टू वैराइटीज टू इंसेक्ट पेस्ट। तो क्यों इसको बैंड किया गया। इट ब्रिंग्स अबाउट अ चेंज इन सेक्स क्रोमोसोम्स, इट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड बायो एक्यूमुलेट, इट इंक्रीज इट्स एफिनिटी 100-fold फॉर हेमोग्लोबिन्स, प्रिवेंट इट्स कपलिंग विथ ऑक्सीजन, ऑल ऑफ दीज। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है बी, इट परसिस्ट इन द एनवायरनमेंट एंड बायो एक्यूमुलेट्स, इसकी वजह से डीडीटी को बैन किया गया। क्वेश्चन नंबर फोर देख लेते हैं। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड द स्मॉल श्रंकिन स्कॉटल ऑफ एन एडल्ट बल्स स्ट्रेइंग ऑन दिल्ली रोड। तो क्वेश्चन नंबर फोर का जो सी है वो राइट है, कैस्ट्रेशन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर फाइव देख लें। विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट इंक्रीज द इफेक्टिवनेस ऑफ द फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए इफेक्टिवनेस कंपोनेंट जो इंक्रीज होता है वो क्या है, अल्ट्रा वायलेट, रेड, ब्लू, इंफ्रारेड। क्वेश्चन नंबर जो फाइव है उसका करेक्ट ऑप्शन है बी, रेड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सिक्स देख लेते हैं। व्हाट इज द वेट ऑफ ह्यूमन हार्ट, जो ह्यूमन हार्ट है उसका वेट कितना है, कितने ग्राम है, ठीक है। 100 ग्राम, 300 ग्राम, 800 ग्राम या 1000 ग्राम। तो क्वेश्चन नंबर सिक्स का बी, 300 ग्राम्स ह्यूमन हार्ट होता है, 300 ग्राम्स का ह्यूमन हार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर सेवन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड कंट्रोल्स द ब्लड प्रेशर, ब्लड प्रेशर को जो कंट्रोल करता है वो क्या है, थैलमस ग्लैंड, एड्रेनल ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड एंड पैनक्रियाज ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर सेवन का करेक्ट ऑप्शन है बी, एड्रेनल ग्लैंड, ठीक है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने वाला ग्लैंड है, ठीक है, वो क्या है, एड्रेनल ग्लैंड। क्वेश्चन नंबर एट देख लेते हैं। इन विच ऑर्गन ऑफ द ह्यूमन बॉडी आर द लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म्ड। क्वेश्चन नंबर एट में क्या बोला है कि ऑर्गन जो ह्यूमन बॉडी का है वो लिम्फोसाइट सेल्स फॉर्म का होता है। तो क्वेश्चन नंबर एट का करेक्ट ऑप्शन है बी, लॉन्ग बोन, जो लॉन्ग बोन होता है। क्वेश्चन नंबर नाइन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द फंक्शंस ऑफ एंटीजेन, एंटीजेन्स का फंक्शंस है। तो ऑप्शन दिया है लोअर्स बॉडी टेम्परेचर, डिस्ट्रॉय हार्मफुल बैक्टीरिया, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम, यूज एन एज एन एंटीडॉट टू पोइजन। तो क्वेश्चन नंबर नाइन का जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ट्रिगर्स द इम्यून सिस्टम इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर टेन देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस डैट डज नॉट इन्वॉल्व इवोल्यूशन ऑफ CO2, CO2 के इवोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो प्रोसेस को क्या बोला जाता है, कम्बशन बोला जाता है, रेस्पिरेशन बोला जाता है, फर्मेंटेशन बोला जाता है, फोटोसिंथेसिस बोला जाता है। तो फोटोसिंथेसिस इज द राइट आंसर, ठीक है, जो CO2 के एवोल्यूशन में इन्वॉल्व नहीं होता ये प्रोसेस, ठीक है। तो इस तरीके से आप रेगुलर बेसिस पे देखते रहिए, ये बायोलॉजी का 10th वीडियो 10th पार्ट का है। तो आप वीडियो को देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन पे क्लिक करिए। आप देखिए ये रेगुलर बेसिस पे देखते जाइए कि ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा जो आरआरबी जेई से रिलेटेड, जैसे कि मैंने आपको इसके सिलेबस बताए हैं उसके अकॉर्डिंग, मैथ्स के हुए, चाहे रीजनिंग के हुए, चाहे उसके जनरल
अवेयरनेस का हुआ या जनरल साइंस के हुए, तो सारे इसे रिलेटेड जो वीडियो हों वो आप तक जरूर पहुंचाएंगे कि ताकि आप इसका बेनिफिट लेके और एग्ज़ाम को क्रैक करें। देखिए कंपटीशन लेवल पहले बहुत कम थे, अभी बहुत ज़्यादा हाई लेवल पे हो गए हैं। फॉर्म्स जो भरे जाते हैं वो कंपेयर टू 50 टाइम्स, एक सीट के ऊपर कम से कम 1,000 10,000 बच्चे हो रहे हैं, तो कंपटीशन बहुत है। तो आपने रेगुलर बेसिस पे अब मेहनत करिए कि ताकि इस एग्ज़ाम को आप क्रैक कर सकें। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।